पिछोर में आज एससी एसटी ओबीसी द्वारा बड़ी तादाद में पिछोर के बाचरौन चौराहे पर रानी अवंतीबाई मूर्ति के समक्ष प्रीतम लोधी व हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा इकट्ठे होकर किया जा रहा है प्रदर्शन। सभी समाज के लोग प्रीतम सिंह लोधी के नेतृत्व में अरुण मिश्रा, जिसमें एक लोधी समाज 11 साल की लड़की के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था और उसे जान से मार दिया था, उसी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर आज पिछोर थाने में जाकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा, अरुण मिश्रा के पुतले भी जलाए जा रहे हैं। प्रदर्शन में हाल ही में भाजपा से निष्कासित किए गए व बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने वाले प्रीतम लोधी भी इस आंदोलन में शामिल हैं। अगर हत्या हो गई, अगर उद्यम दंगा हुए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कुछ कुछ लोग जो पाखंडी लोग हैं, पूरी ब्राह्मण समाज को बदनाम करने लगे हुए हैं। कुछ ही लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है, बड़ी समाज नहीं होती है, बहुत लोग मेरे संपर्क में भी है। लेकिन पहली बात तो ये, समाज को ही, ब्राह्मण समाज को ही इस वीरेंद्र शास्त्री को सबक सिखाना चाहिए। ऐसी भाषा क्यों बोलते हो, पढ़े लिखे हो, आप तो बुद्धिजीवी हो, हिंसा की बात कैसे? मैं मीडिया के माध्यम से मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, मुझे सुरक्षा दी जाए। इसके अलावा और क्या और क्या रही हो, तो कोई घटना घटती है सरकार जिम्मेदार होंगी। आप ये देखिए, माइक से बोल रहा है, बार बार कहीं नक्ता कह रहा है, कहीं कोई बात कर रहा है, आप सब बोल जाए, पढ़ा लिखा व्यक्ति आप सब बोल रहा है, और फिर उसके बाद में कहता है तो उसको मार दो, पूरे देश की समाज को कहता है उसको मार दो, तो नहीं मार पाओ तो फिर आप चूड़ियां पहन के घरों में बैठ जाओ। तो कितना बड़ा शब्द है ये, मान के चलिए किसी के दिमाग पे आ गई तो प्रीतम लोधी को मार दिया, तो ये देश में बंटवारे का काम करेगा, खाई बनाएगा, प्रेम की बात करेगा कोई व्यक्ति? मैं नहीं पूछा सरकार से जगह, तो अब तक सरकार चुप क्यों है? सरकार अभी तक चुप क्यों है? इतनी बड़ी बात बोल दी पर उस पर अपॉइंटमेंट नहीं हुई।